हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ने वाले जो बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक है? कोशिका और ऊतक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं जो बहुत बार एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर एक बार रट लीजिए, याद कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोग से आना चाहिए। बहुत ही कम टाइम बचा है, जितने हो सके उतने नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो पढ़ चुके हैं बस उसका रिवीजन कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, अलग नई नई बुक न पढ़िए। जो बुक एक बार पढ़ लिए उसी का बस आप लोग रिवीजन कीजिए। अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो आप लोग कन्फ्यूजन होगा। अब बहुत ही कम टाइम बचा है, बस आप लोग को अब रिवीजन करना है। जो पढ़ चुके हैं जितना भी पढ़े हैं बस उसका आप लोग को रिवीजन करना है। और कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यानी क्वेश्चन चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हैं, आप लोग को प्रोवाइड जरूर करवाया जाएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अब वीडियो मिलने वाली, एक हफ्ते के अंदर अंदर इतनी अच्छी वीडियो मिलने वाली, इतने अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि आप लोग से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। पहला सवाल आप लोग सामने है, डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग को इसी वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है, डैश कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, लाइसोसोम या लाल रक्त कोशिका, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग को लिखना है। ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग की बिल्कुल तैयारी नहीं है, आप लोग बहुत बेसिक से नहीं पढ़ाई की है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है वैसे। ठीक है, चलिए बताइए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय झिल्ली और माइटोकांड्रिया से रहित कोशिका का एक उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरिया सेल जो होता है ये माइटोकांड्रिया रहित कोशिका का एक उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी, लीवेनहॉक, पाश्चर, फ्लेमिंग या रॉबर्ट बाउन। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन याद होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो उसका डायरेक्ट आंसर आप लोग के मन दिल दिमाग में आ जाना चाहिए बिना ऑप्शन देखे, तभी तो आप लोग की तैयारी अच्छी है, नहीं तो आप लोगों को और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अब तो कम टाइम बचा है, जितना पढ़ चुके हैं बस उसका रिवीजन कीजिए, लेकिन पहले से पढ़ना चाहिए था। तो चलिए चलिए, इस तालाब के पानी मुक्त जीवित कोशिका क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर लीवेनहॉक के द्वारा खोज की गई, किसके द्वारा, लीवेनहॉक के द्वारा खोज की गई थी, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रेमटिन से मिलकर बना होता है, क्रेमटिन से मिलकर बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रेमटिन से मिलकर क्या कौन बना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन जो होता है ये आप लोग के क्रेमटोन से मिलकर बना होता है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या होगा ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल लेते हैं, एक पादप कोशिका किसके कारण सुस्त हो जाती है, क्या होता है एक पादप कोशिका किसके कारण सुस्त हो जाती है, बताइए। ध्यान दीजिएगा, एक पादप कोशिका जो है ये आप लोग किसके कारण, एंडोस्मोसिस के कारण जो है सुस्त पड़ जाती है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, यौगिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या होती है, यौगिक प्रकाश सूक्ष्म लेंसों में संख्या कितनी होती है सूक्ष्मदर्शी में, ये होती है आप लोग ध्यान दीजिएगा ये होती है दो होती है, कितनी होती है दो होती है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति में भिन्न होती है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति में भिन्न होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसकी अनुपस्थिति में होती है तारक केंद्र, ठीक है सेंट्रोलोसिस के जो है अनुपस्थिति में जो है भिन्न होती है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं, कोशिका भित्ति होती है, आई होप सभी लोगों से बनना चाहिए, कोशिका भित्ति होती है यानी कोशिका भित्ति बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, कौन से प्लास्टिन रंगहीन होते हैं, प्लास्टिड कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ध्यान दीजिएगा, कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं, ये होते हैं लिपोप्लास्ट,
क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं, हाइपर क्या है, हाइपरटोनिक माध्यम से साइटोप्लाज्मा के सिकुड़ने की घटना क्या कहलाती है, फ्रांटोलिसिस या प्लास्मोलिसिस या एसिडोलिसिस या एलोलिसिस, बताइए। हाइपरटोनिक माध्यम से साइटोप्लाज्मा के सिकुड़ने की घटना क्या कहलाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांटोलिसिस कहलाती है। ठीक है, फ्रांटोलिसिस कहलाती है, आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डैश की कोशिका की ऊर्जा को मुद्रा कहा जाता है, डैश को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा एटीपी को, क्या होता है, एटीपी को डैश की ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। अगला सवाल है, कोशिका की पावर हाउस, इस क्वेश्चन को आप लोगों से पूछा गया था, आई होप सभी लोगों से बन गया होगा, डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या है, माइटोकांड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कितने लोगों से बना था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोगों से क्वेश्चन बन गया था या नहीं बना था। अगला क्वेश्चन है, डैश ने सेल शब्द दिया था, यानी सेल शब्द की खोज, यानी खोजकर्ता सेल शब्द का फाउंडर कौन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये है, आप लोग ध्यान दीजिए, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई थी, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग को जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग को प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं, एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, या आप लोग इंस्टाग्राम से व्हाट्सअप तो चलाते होंगे, अपने स्टेटस पर लगा लीजिए, क्योंकि आप लोग के फ्रेंड जो आप लोग से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को देख के जुड़ सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।